इन दिनों दुनिया में वायु प्रदूषण से बड़ी समस्या तो कोई है ही नहीं, और इसका एक बड़ा कारण पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहन हैं। कंपनीज भी इस बात को समझती हैं और इसीलिए अब वो ऐसी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बनाने की कोशिश कर रही हैं जो कि हर मामले में पेट्रोल स्कूटर से बेहतर हों। ऐसा ही एक स्कूटर है ऐप स्कूटर, जिसे एम्स्टरडैम की एक कंपनी ने बनाया है। आज हम आपको इस खूबसूरत इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में बहुत ही काम की जानकारी बताने जा रहे हैं, पर उसके पहले प्लीज आप हमारे चैनल एनजे हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारे कोई भी वीडियो मिस ना करें। बात करें स्कूटर की खास बातों की, तो एक बार चार्ज होने के बाद ये रेगुलर इलेक्ट्रिक स्कूटर के मुकाबले ज्यादा लंबी दूरी तक का सफर तय कर सकता है। साथ ही इसमें ज्यादा स्टोरेज भी मिलता है और अब आप एक नहीं दो हेलमेट गाड़ी के अंदर रख सकते हैं। रेंज की बात करें तो एक बार चार्ज होने के बाद ये स्कूटर पूरे 240 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है। साथ ही इसमें रिमूवेबल बैटरी पैक है जिसे बाहर निकाल कर चार्ज किया जा सकता है, मतलब आपको हमेशा ही गाड़ी को चार्जिंग सॉकेट के पास ले जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप आसानी से इसे कहीं भी चार्ज कर सकते हैं। स्पीड की बात करें तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की अधिकतम रफ्तार होगी 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और इतनी रफ्तार हासिल करने के लिए स्कूटर को सिर्फ 3.9 सेकंड का वक्त लगेगा, मतलब आपको इस इलेक्ट्रिक स्कूटर से बहुत ही शानदार पिकअप मिलेगा, ये तय है। बेहतर परफॉर्मेंस के लिए इस स्कूटर को काफी हल्का भी बनाया गया है और इसका वजन भी 74 किलो है। इसे बेहतर बैलेंस देने के लिए इसका व्हील बेस 52.9 इंच का है और इसकी सीट की हाइट है 31.5 इंच की। इस वजह से ये स्कूटर काफी अच्छे बैलेंस के साथ चलता है। जैसा कि हमने आपको बताया, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी ज्यादा है और आप इसमें बहुत सा सामान रख सकते हैं। आरामदायक सफर के लिए इसमें टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक सस्पेंशन दिए हुए हैं और पीछे की तरफ हॉरिजॉन्टल माउंटेड शॉक एब्जॉर्बर्स लगे हुए हैं। इसके पहिए 12 इंच के हैं और इसमें पीछे की तरफ हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक भी दिए गए हैं जो कि गाड़ी को बहुत ही सुरक्षित बना देता है। स्कूटर की खास बात ये भी है कि इसमें आपको 7 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलता है जो कि राइडर को रास्ता ढूंढने में मदद करता है। साथ ही ये ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है और आपको एंटरटेनमेंट की सुविधा भी दे सकता है। इसके साथ ही इसमें सेल्फ डायग्नोस्टिक सिस्टम भी मिलता है जो कि स्कूटर में होने वाली किसी भी खराबी के बारे में राइडर को पूरी जानकारी दे देता है और आप इसे जल्द ही ठीक करवा सकते हैं। बात करें इस स्कूटर की कीमत की, तो इसकी कीमत करीब $38,000 है जो कि भारत की कीमत के हिसाब से 2,71,000 रुपीज है। भारत में ये स्कूटर कब आएगा इसके बारे में तो कोई जानकारी अभी मिली नहीं है, लेकिन इसी साल अप्रैल से इसकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी और यूरोप में ये प्री ऑर्डर के लिए भी मौजूद है। क्या आप चाहते हैं यह स्कूटर भारत में आए और आप इसे खरीदें? हमें जरूर बताइए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।